खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने आज उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन पूर्व जिला अध्यक्ष सागर शुक्ला के नेतृत्व में दिया गया। इस ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं पर गहरी चिंता जताई गई है। इनके समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। NSUI के सागर शुक्ला ने बताया कि NSUI द्वारा कैंपस चलो अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत NSUI सदस्यों ने कैंपस में जाकर छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को लेकर एक छात्र मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें से एक प्रमुख मांग पेपर लीक की सख्त घटनाओं पर सख्त कार्यवाही की है। संगठन ने दोषियों के लिए 20 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करने की मांग की है। संगठन ने 3 लाख रुपए से कम आय वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की भी मांग की है। छात्रावासों की संख्या बढ़ाने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने की भी मांग इसमें की गई है। ज्ञापन में NSUI पूर्व जिला अध्यक्ष सागर शुक्ला, अदनान अंसारी, प्रतीक गौतम, सक्षम यादव, एजाज अंसारी, अंकित शुक्ला, सैफ मंसूरी मौजूद थे। जबलपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला इकाई के द्वारा मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे कैंपस अभियान के अंतर्गत आज हम सभी NSUI के छात्र नेता हम सब AD कार्यालय पहुँच के छात्रों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए हम AD कार्यालय आए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, सर्वप्रथम मांग ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए और लगातार 7 सालों से छात्र संघ का शुल्क छात्र संघ चुनाव के नाम पे लिया जा रहा है। दूसरा, लगातार पेपर घोटाले। तीसरा, आपका जो सबसे बड़ा है छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पे दो दो ढाई ढाई तीन तीन साल से स्कॉलरशिप नहीं आए। या तो बच्चा आधे में बाहर जा रहा है या तो फिर बच्चा कर्ज करके यहाँ वहाँ से करके फीस कर रहा है। अभी NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्रों ने मांग पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है, जिसको यहाँ के माध्यम से सरकार तक। सर, क्या मांग की है इन्होंने? सर, इनकी मुख्यतः मांगे हैं 3-4 जो मुख्य मांगे हैं, जिनके जैसे पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाया जाए, इसमें 3-4 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। दूसरा है छात्रवृत्ति पर लोक सेवा गारंटी। इनका कहना है कि छात्रवृत्ति जो है टाइम से नहीं मिलती, लोक सेवा गारंटी के तहत आ जाएगी तो टाइम से मिलेगी। सबको शिक्षा, सबको प्रवेश। अभी जैसे प्रवेश क्या चल रहा है, CLC राउंड चल रहा था, जिसमें उनका कहना है कि कई छात्रों वंचित रह गए, तो उनके लिए फिर से समय दिया जाए और सभी छात्रों को, और जितनी जगह है पूरी सीट भरे, सभी छात्रों का प्रवेश उसमें सुनिश्चित करें। उम्मीद रहे कि आगे मिलना है नहीं मिलना है, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं रहती है। तीसरा, सबको शिक्षा, सबको प्रवेश। सभी, कई छात्र ऐसे हैं जिनको आज भी प्रवेश नहीं मिल पाया, 24-25 की जो सत्र था उसका प्रवेश सीमा खत्म हो चुकी है। छात्र परेशान है। अभी आप महाकौशल साइंस बाजू में ही है, आप जाएंगे देखेंगे वहाँ छात्र परेशान हैंगे। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी को प्रवेश मिले, सभी को शिक्षा मिले। चौथा है का हमारा छात्र संघ चुनाव, ये महत्वपूर्ण है। छात्र अपने नेतृत्व के लिए आज लड़ रहेंगे कि उन्हें नेतृत्व की क्षमता मिले, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा के 2017 से छात्रों का नेतृत्व छीन लिया है। इसके अतिरिक्त वो हर साल जो छात्रों से लगभग 1200 रुपये इन्हीं कल्याण शुल्कों के नाम पे, छात्र कल्याण शुल्क के नाम पे लेती है। विश्वविद्यालय द्वारा जबलपुर के RDBB विश्वविद्यालय 1240 रुपये छात्रों से इस मद में प्राप्त करता है, जिसमें 500 रुपये कॉलेज में जाता है, 700+ रुपये विश्वविद्यालय में आता है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं होता। विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने पेमेंट में या दूसरे मदों में इसको खर्च कर देते हैं। आज हम ये सब मांगों को लेकर AD महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांगे हैं कि ये मांगे पूरी होना चाहिए। उन्हें हमने इनके संबंध में जो है सुझाव भी दिए हैं कि कैसे पूरी हो सकती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी मांगे पूरी होंगी, अगर ये नहीं होती तो NSUI जल्दी बड़ा आंदोलन करेगी और लास्ट में जो है मुख्यमंत्री निवास घेराव करेगी भोपाल में।